Hi एंड वेलकम टू दी हाई Priestess स्टारो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो अपना ख्याल रख रहे हो सो so, आज हम लोग वापस आ गए हैं एक और रीडिंग के साथ आज हम लोग देखेंगे आपका फिफ्थ February 2022 um, कैसा जाता है एंड आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके डेली मैसेजेस क्या है ओवरऑल uh, गाइडेंस क्या है सो लेट एस सी लेट एस स्टार्ट आपका फिफ्थ फेब 2022 ये रीडिंग कोई भी देख सकता है कोई भी जोरिया साइन या कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे जानना वो मैसेजेस आपके लिए था एंड जो मैसेजेस रेजोनेट ना करे वो यहीं पे छोड़ के जाना बाकी लोगों के लिए ओके okay, सो so आपका स्टार्टिंग एनर्जी है एट ऑफ कप्स एनर्जी उसके बाद है द नाइट ऑफ सोड्स सेवन ऑफ पेंटिकल सेवन ऑफ सोड्स एंड जस्टिस सो यहाँ पे uh, मुझे जो महसूस हो रहा है दैट बहुत सारे लोग आज आप काइंड ऑफ एक्शन ले रहे हो एंड कुछ लोग बिना सोचे समझे कुछ एक्शन ले सकते हो एंड जब मैं एक्शन बताऊँ तो ये एक्शन में भी ट्रैवलिंग कुछ प्लान्स कर रहे हो आप किसी के साथ या फिर ये जो एक्शन है ये आपके फ्यूचर के तरफ है बिकॉज आई सी आप फाइनली अपने किसी पास्ट सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो एंड पास्ट मतलब दस साल पहले भी हो सकता है दस दिन पहले भी हो सकता है एंड पास्ट सिचुएशन मतलब पास्ट में आपने कुछ लॉस फेस किया है पास्ट में कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में आपने किसी ट्रॉमा या प्रॉब्लम के साथ आप झेले हो किसी प्रॉब्लम को सो so, जो भी चीज़ इस वक्त आपको लग रहा है दैट आपके लाइफ में एक ब्लॉकेज है या यू you नो know, आपके ग्रोथ को रोक रहा है ऐसे आप उस चीज़ को बड़े ही आराम से काइंड ऑफ फाइट कर रहे हो एंड आज का दिन आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो अपने मेंटल हेल्थ को लेके एंड अपने बॉडी के जो हेल्थ है फिजिकल हेल्थ को लेके बिकॉज आई सी हियर दैट पास्ट में अगर आपने कुछ भी मिस्टेक किया है जाने अनजाने में आप फाइनली रियलाइज कर रहे हो दैट आप अपना ओवरऑल uh, जो दिन है या ओवरऑल आपका जो लाइफ है आप कैसे बदल सकते हो सो आई सी आज का दिन काइंड kind ऑफ of, uh, आप खुद को जस्टिस दिला रहे हो काइंड ऑफ आप खुद का टेक केयर कर रहे हो या Um, अपनी फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्लान कर रहे हो एंड एक्शन ले रहे हो कुछ लोग या तो आप बाहर जा रहे हो घूमने कहीं पे या फिर आप काइंड kind ऑफ of, um, आपको जो करना अच्छा लगता है चाहे वो शॉपिंग हो चाहे वो कहीं पे जाना हो चाहे वो चैरिटी का काम हो आप वो काम कर रहे हो जो भी आपके दिल को यू you नो know, अच्छा महसूस करवाता है बट बहुत सारे लोग आप फाइनली ओपन अप कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में एंड कुछ लोगों के लिए आपकी फीलिंग्स भी हो सकती है जिसके बारे में आप फाइनली ओपन अप कर रहे हो लोगों से शेयर कर रहे हो चाहे वो आपके दोस्त हो आपके घर वाले हो आपके पार्टनर हो डज नॉट मैटर अब आपके करियर सिचुएशन में या फाइनेंशियल सिचुएशन में मुझे जो दिख रहा है इज दैट um, आप कोशिश कर रहे हो किसी सिचुएशन से निकलने की um, आज का जो दिन है आप उतने ज़्यादा यू you नो know, uh, लाइक like कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हो मे बी uh, कुछ दिनों पहले आपका बहुत बड़ा कुछ खर्चा हो गया है या यू uh, नो you know, आप मे बी कुछ प्लान्स कर रहे हो एंड आपको ये डर है कि आप अपने फाइनेंसिस को कैसे प्लान करोगे सो आई सी दैट ऐसा नहीं है आज के दिन कि आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हो अपने फाइनेंसिस के साथ बट आप रुक नहीं रहे हो आप यू you नो know, आप रेडी हो हार्ड वर्क पुट ऑन करने के लिए आप अपना यू नो रेडी हो फ्यूचर प्लान करने के लिए या आपका जो भी काम है करने के लिए लाइक आप मेहनत करना चाहते हो दिल से बिकॉज आप अपने कंडीशन आप आपका जो फिनंशियल कंडीशन है या आपका जो करियर सिचुएशन है आप उसे बदलना चाहते हैं आप आगे देखना चाहते हैं आप बढ़ना चाहते हैं बिकॉज आई सी बहुत सारे आप में से लोग हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत कुछ फेस किया है जैसे कि लॉसेज या आ, फेल होना या किसी भी टाइप का नेगेटिविटी आपने पास्ट में महसूस किया है एंड फाइनली आप खुद को उस नेगेटिविटी से बचाना चाहते हो आप खुद को आगे यू नो बढ़ बढ़ना चाहते हो आप खुद ना कुछ लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके करियर या आपके फाइनेंस में um, आपको लग सकता है दैट आप खुद पे डाउट करो दैट आप जो काम करते हो या आप जो काम कर रहे हो आज um, क्या उसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है या क्या वो करने से आपका कभी लाइक like, आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर पाओगे या क्या आप सही रास्ते पे हो या कब क्या आपको कभी जॉब मिलेगा या इससे बेटर जॉब मिलेगा सो so, कुछ ना कुछ सवाल है सवाल है जो आप खुद के ऊपर खड़े कर रहे हो जो आप खुद से पूछ रहे हो खुद पे वो यू you नो know, Uh, उंगली उठा रहे हो काइंड ऑफ बट आई थिंक आज का दिन मे बी आप थोड़े यू uh, नो you know, खुद के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हावी हो रहे हो सो so, कोशिश करो दैट पॉजिटिव माइंड सेट रखने की पॉजिटिव सोचने की एंड जब भी आप फ्यूचर के बारे में सोचो स्पेशली um, कोशिश करना सिर्फ पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करने की ठीक है बिकॉज आई सी दैट आप रुक नहीं गए हो वो सबसे बड़ी बात है आप सामने देख रहे हो एंड चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो आप काइंड ऑफ फॉरवर्ड मूव कर रहे हो बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ बहुत यू you नो know, आप में वो मोटिवेशन या वो जिद है आ, जो बहुत कीमती है ठीक है सो so, जिद को कभी जाने मत देना जब आपकी फाइनेंस या आपके करियर की बात आती है या आपके जिंदगी में आपके सपने आ, पूरे करने की बात आती है आपके लव सिचुएशन में व्हाट आई रियली सी बहुत सारे लोग यू you नो know, बहुत सारे लोग आप में से आम, आज आप कुछ यू नो लव सिचुएशन में या तो किसी को किसी प्रपोजल भेजने वाले हो या कोई आपको भेजने वाला है या आज आप कहीं किसी के साथ मीट करने जा रहे हो मे बी फर्स्ट डेट है या मे बी आप पहले भी मीट कर चुके हो एंड आज आप फिर से मीट कर रहे हो इस पर्सन को मे बी ये आपके करंट पार्टनर है मे बी ये कोई न्यू पर्सन है जिनसे आप बात कर रहे हैं बट आई फील बहुत सारे लोग आज काइंड kind ऑफ of एक यूनियन वाला दिन है आज आप काइंड ऑफ यू नो साथ में आ रहे हो अपने पार्टनर के साथ एंड आप दोनों मिल के कहीं पर जा रहे हो या बातें कर रहे हो या एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ ना फॉर सम ऑफ यू जिन लोगों के लिए आई सी दैट यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है बट uh, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है आई सी ही दैट ये जो भी थर्ड पार्टी है आपके सिचुएशन में अगर इन्हें पता है आप दोनों के बारे में देन ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जेलस है या ये थर्ड पार्टी काइंड ऑफ ईवल आई नहीं कहूंगी बट ये थर्ड पार्टी काइंड ऑफ कोशिश कर सकते हैं आप दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने की अगर थर्ड पार्टी को पता है ठीक है बट आई आई कैन सी हियर दैट आज आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हो अपने पर्सन के साथ एंड बहुत सारे लोग यू you नो know, आज आपको या तो किसी प्रोपोजल uh, आ सकता है किसी से या किसी यूनियन वाला सिचुएशन हो सकता है या बस एक यूनियन हो सकता है जहाँ पे आप अपने पर्सन के साथ यू you नो know, साथ में आ रहे हो बात कर रहे हो जा रहे हो घूम रहे हो जो करना है सो दैट इज वॉट आई सी हियर एंड जो लोग सिंगल हो आई सी दैट लोग आपको नोटिस कर रहे हैं आप अच्छे दिख रहे हो आप सेल्फ लव हीलिंग वगैरह प्रैक्टिस करते हो या फिर आप खुद का इतना अच्छा ख्याल रखते हो दैट लोग आपको नोटिस करते हैं आप में कुछ बात है जिस वजह से लोग आपको देख रहे हैं चाहे वो रास्ते में हो या सोशल मीडिया पे हो या आपके फ्रेंड्स हो या आपके एक्स पार्टनर्स हो जो भी हो क्यों ना आई ऑल्सो सी आपके आसपास कुछ लोगों के लिए एक ऐसे एनर्जी है जो जेलस है आपके लव लाइफ से या आपको जो अटेंशन मिलता है लोगों से उस बात से या आप अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत या हैंसम दिख रहे हो उस बात से ये इंसान बहुत ज़्यादा जेलस है एंड ये पर्सन कोई लियो आ, एरीज या सजिटेरियस हो सकते हैं लियो एरीज या साजिटेरियस हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं या बहुत ज़्यादा जेलस है या यू you नो know, जो आपके तरह बनने की कोशिश करते हैं कभी कभी बट ओवरऑल आपके लव सिचुएशन में आई थिंक आज आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस दिखेगा बाकी के पार्ट से अगर आप देखो रीडिंग के आपके लव सिचुएशन सबसे ज़्यादा स्टेबल है सबसे ज़्यादा हैप्पी है सो so, um, वैसे ही कॉन्सेंट्रेट करो अपना पॉइंट अपना वैल्यू कभी मत छोड़ना एंड यू नो